ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों, शनि आपको मालामाल कर देगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा। अगर आपके साथ भी यही होता है कि काम कोई भी एंड वक्त पर जाकर काम सिद्ध नहीं होता, बार बार असफलताएं मिलती रहती है, बार बार धन का अभाव हमारे साथ होता रहता है, बार बार लोग धोखा देते रहते हैं, तो बिना अपनी कुंडली को विश्लेषण कराए खुद ये समझ लो कि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में शनि जो है आपको प्रभावित कर रहा है और शनि नेगेटिव वे में है। या तो महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, या शनि ऐसे भाव में बैठा होगा जिससे हमें कहीं ना कहीं परेशानियाँ हो रही है। तो ये जितनी सारी परेशानी, जितनी सारी बाधा है, ये शनि की वजह से हो रही है। लेकिन आज मैं इस समाधान को भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, इस तरह की परेशानी का समाधान क्या है। हम पांच समाधान बताएंगे जिनमें से आप कोई एक समाधान कर सकते हैं, पर पांचों कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपको चीजें सकारात्मक और पॉजिटिव होगी। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिख दीजिएगा। चाहते अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना तो स्क्रीन पर नंबर चली रहा, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहले आपको काम करना है कि आप जितना हो सके पांच से ज्यादा पीपल के वृक्ष अपने घर के आसपास लगाए। हर शनिवार के दिन एक पीपल का पौधा लाए और उसे अपने घर के आसपास लगाए, उसे जल दे, या अपने घर में भी आप पौधा लगा सकते हो, लेकिन शुक्रवार और रविवार के दिन उसे हाथ नहीं लगाना है और न ही उसे जल देना है और न ही दीपक लगाना है शुक्रवार रविवार। और उन पांच को कहीं डोनेट कर दे, कहीं पार्क में लगा दे, खेत में लगा दे, खलियान में लगा दे, लेकिन पांच पीपल लगाए। क्योंकि जैसे आप पांच पीपल लगाएंगे, उनका लालन पोषण करेंगे, आपके शनि की जितनी बात आए खत्म हो जाएगी। दूसरा है कुष्ठ रोगी। जो कुष्ठ रोगी होते हैं उन जातकों की आप सेवा करें, आप अगर धन दे सके धन दे, आप जो भी चीजें उनको दे पाए, कपड़े, कंबल, खाने के लिए जो भी चीज़ दे पाए, कुष्ठ रोगियों को जरूर दे। उससे शनि बहुत जल्दी प्रभावित होता है और बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। और तीसरा है समाज सेवा। जो भी समाज सेविक काम है, जैसे कि गणपति हो गए, माता जी के पांडाल हो गए, जितनी सारी समाज सेवा है जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित करते हैं, उस सभी कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, उनमें सहयोग देना, ये करने से भी शनि बहुत हद तक पॉजिटिव और सकारात्मक होता है दोस्तों। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि को, अगर आप चाहते हैं कि शनि आपके जीवन में चीज़ों को सही करें, तो हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान जी को मंगलवार शनिवार चोला चढ़ाए, बनारसी पान चढ़ाए, सीताराम, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। क्योंकि शनि सिर्फ हनुमान जी और भगवान शिव दोनों की आराधना करने वाले जातकों को कभी भी शनि का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। तो ये बात अपने आप को अच्छे से समझा ले और इस बात पर बहुत हद तक आपको काम करने की आवश्यकता है। और पांचवा और महत्वपूर्ण है माइंड टोन को बदलने की, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हमें किस पर विश्वास नहीं होता, अविश्वास बढ़ जाता है, चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है, तो हम बहुत डिप्रेस, तनाव में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में न जाए, क्योंकि ये स्थिति शनि चाहता है कि आप उस चौराहे पर खड़े हो जहाँ पर आपके कोई साथ नहीं हो। खैर, हमें अकेले ही चलना है, लेकिन आप वो भाव मत आने दें, आपके साथ इष्ट है, आपके ईश्वर है और वो अच्छे लोग आपके साथ हैं, वो अच्छी शक्तियाँ, वो अच्छी आत्माएं आपके साथ हैं जो आपको सकारात्मक बदलाव के लिए तत्पर कर रही है। तो ये बात हमेशा अपने मन में दृढ़ संकल्पित करें, इससे बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, शनि जो है इन सभी प्रभावों को कम कर सकते हैं, शनि के इन जो तरीके मैंने बताए इनसे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में लिखना जय शनिदेव। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना तो स्क्रीन पर नंबर चली रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।